अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज आ रही है सबको मेरी? वालेकुम सलाम। हाँ जी आ रही है। बेहतरीन। आप सब, मैं न्यू हूँ, राइट? आप सब फ्रंट एंड डेवलपमेंट में न्यू हो। आपका लोगा फर्स्ट बैच है, फर्स्ट है, फर्स्ट जून सेक्शन है, ऐसा ही है? बेहतरीन। आप में से कितने बंदों का आप प्रोग्रामिंग से पहला एक्सपीरियंस है? जिन्होंने पहले काम किया हुआ है, जिनको थोड़ी बहुत ही हाव नाव है कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट होती क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है, सीएसएस क्या है, एचटीएमएल क्या है, और किस तरह चीजें बनती हैं इनको मिला के। बेहतरीन। हो गया। आप में से कुछ बच्चों ने कहा है कि उनको पता है, बाकी ओके। ठीक है। उनके रिएक्ट जेएस के लिए बेसिकली आपको रिएक्ट भी वेब का ही फ्रेम, वेब की लाइब्रेरी है। इट्स नॉट अ फ्रेमवर्क, इट्स लाइब्रेरी। तो आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि आपका पीछे कोर्स क्या है, आपका एचटीएमएल क्या है, सीएसएस क्या है, जेएस क्या है। ज्यादा नहीं, हाव ना होनी चाहिए, क्योंकि आप फ्रंट एंड डेवलपर बन रहे हो। अब आप रिएक्ट डेवलपर बन रहे हो। फ्रंट एंड डेवलपर के बाद आती है रिएक्ट बनते हो, एंगुलर बनते हो आप, ये उनके बाद स्टेजेस है। पहले आपको फ्रंट एंड का होना चाहिए। जिसको फ्रंट एंड की हाव ना हो है, वो इन पे जाता है तो उसका एक्स जो है ना ज्यादा डलता है, एक्ट ज्यादा करता है, वो सीखता ज्यादा। नहीं तो आपको पहले एचटीएमएल सीएसएस वगैरह सीखनी पड़नी है, देन आप रिएक्ट में जाओगे। ठीक। तो आप लोगों ने कहा कितने लेक्चर बुक अभी तक कवर किए हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। दिस इज सारिया खान। अभी तक मैंने 3 मॉड्यूल्स कंप्लीट कर ली, फोर्थ मॉड्यूल पे हूँ। तो बेहतरीन। कुछ क्वेरीज हैं वो जी जी मुझे पूछे। थोड़ी ठीक सी करनी थी। एक तो ऑब्जेक्ट लिटरल के बारे में थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूजन थी कि उसको कॉल जो करना था ना उसमें कोड में स्पेसिफिक नहीं था, क्लियर नहीं था। ठीक। तो उसके बारे में थोड़ा सा मुझे करना था कि मतलब वो कैसे होगा। तो मतलब क्यूरीज में मैं कहाँ पे आपसे पूछूं कि मतलब ना उसका स्क्रीनशॉट तो मैंने ले लिया था, आपके ठीक जो लेक्चर्स हैं वो ठीक मैंने ट्राई किया अपने भी कोड पे, लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा। सही। तो तो आप वो स्क्रीनशॉट आप ग्रुप में ऐड जो रिसेंटली जी बनाया जी व्हाट्सएप है, पे। ठीक जी है? जी आप, हाँ, आप मुझे वहां पे वो जो है ना एक दफा फॉरवर्ड कर, ताकि मैं देख लूँ आप पर्टिकुलरली किस सेक्शन की बात कर रही हैं। अच्छा, ठीक हाँ, है। फिर तो मैं आपको बता दूं अभी कि क्या सीन है वो। अभी इसे अभी कर दूं? हाँ जी, अभी कर दें बेशक। अच्छा मैं अभी अच्छा आपको अभी मीटिंग में ही बता देता हूँ क्या सलूशन है उसका, क्या प्रॉब्लम है और किस तरह वर्क करेगा। बेहतरीन। मैं अली, आप होस्ट हो, आपको रिक्वेस्ट आ रही होंगी बच्चों की, काइंडली वो एक्सेप्ट कर लें। जी सर, ये जो है ना मैंने सेंड किया ग्रुप पे। इसमें जो है ना ऑब्जेक्ट का एक फंक्शन बनाया डिटेल्स शो के नाम से, ठीक। लेकिन कुछ मुझे सिंटैक्स में कुछ ऐसा मतलब मसला लग रहा है कि डिटेल्स शो को कैसे कॉल करेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट के फंक्शन को हम कंसोल में कैसे कॉल करेंगे, वो नहीं हो रहा। ठीक है, मैं अभी बस देखने लगा हूँ। जी या पी का कोड है। ये आपने, मैं सिंगल कोटेशन में क्यों लिखा हुआ है? सर आई थिंक सो ये आप ही का कोड है। मैंने इसका वो ले लिया था स्नैप, आप ही का कोड अच्छा, है ये। मेरा ही जी कोड है। ठीक जी जी आपका ही शायद कोड है ये। जी आप ही का ही।
ठीक। जी, इसमें जो है ना मतलब कंफ्यूजन थी कि मतलब कॉल कर रहे थे ना तो अनडिफाइंड आ रहा था, ये इज नॉट अनडिफाइन अ ही फंक्शन आएगा, एंड ये अभी इज नॉट अनडिफाइन अ आएगा फंक्शन। क्योंकि, हाँ जी, क्योंकि इसमें एक इशू है। मैं बताऊँ आपको क्या इशू है। जी अब ये जो कोड है ना आपका लाइन नंबर 92 पे, ये सिंपल आपकी एक की है, इसकी वैल्यू कोई भी नहीं है। तो आपने अच्छा करना क्या है, जी, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। होस्ट, एक मिनट, मैं पहले होस्ट बन जाऊँ क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर करनी है, तो मैं ऐसे कर नहीं पाऊंगा। वो गलती से आप बन गए हो, आप मुझे होस्ट बना दो ताकि मैं स्क्रीन शेयर वगैरह कर सकूं। कैसे होगा सर, मुझे सर मेरा आपको नहीं, फर्स्ट टाइम अली है ये। अली अच्छा अच्छा अली अली हसन, आप काइंडली मुझे होस्ट बना दो ताकि मैं स्क्रीन शेयर वगैरह कर सकूं, वरना मैं, पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये किस तरह होस्ट आपको बनाना है? ठीक है, आप जाओगे, पार्टिसिपेंट लिखा आएगा नीचे आपके पास, ठीक यस है, सर। आपने बस मेरे पे क्लिक करना है, वहां पे आपको 3 डॉट्स मिल रहे होंगे, उस पे क्लिक करेंगे, वहां पे आएगा मेक अ होस्ट, आपने उस पे क्लिक कर देना, मैं होस्ट बन जाऊंगा। अच्छा सर आपका नाम? अच्छा राजा साबिक इरफान, सर एक मिनट, मेक हाउस। यस सर हो गया। बेहतरीन होगा, शुक्रिया। सर अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप लोगों को थोड़ा सा जो कंफ्यूजन है वो क्लियर करते हैं, ठीक है। आप में से किसी के कोई क्वेश्चन में कोई भी क्यूरी हो आप मुझसे पूछ लेना ग्रुप में, जी माइट भी जी मैं थोड़ा सा आपको लेट रिप्लाई दूं, लेकिन मैं आपको रिप्लाई लाजमी दूंगा उसके अगेंस्ट। आपके पास जो आपका क्रोम है बाय डिफॉल्ट ये जेएस को सपोर्ट करता है, इवन के हर ब्राउजर आपके जेएस को सपोर्ट करता है, और इन सब में आपको बाय डिफॉल्ट एक कंसोल मिलता है जो कि जेएस का ही प्ले, समझ लें, प्लेइंग वर्जन है, प्ले ग्राउंड है, यहाँ पे जाके आप प्ले कर सकते हैं। अब जो आपने कोड दिया था सेम वही कोड हम यहाँ पे लिखते हैं और देखते हैं क्या मसला आया हो। हमने बनाया था यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, वार बनाया था ओबीजे इक्वल टू, जब आपने एंटर करना होता है आप शिफ्ट एंटर करोगे तो ये न्यू लाइन पे आ जाएगा, ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा उस कमांड को। ए था यूजर हमारे पास, तो यूजर नेम ही लिख रहा हूँ सिंपल में, ठीक है, यूजर नेम। और यहाँ पे एक जो है ना, मैं आपको पहले बता देता हूँ, यहाँ पे आपने कभी भी जो है ना आपके की में, जो ये की है आपकी, स्क्रीन सबको शो हो रही है ना मेरी, जिनको नहीं जी हो रही सर। तो काइंडली, हाँ बेहतरीन हो गया। की में कभी भी आपने स्पेस नहीं रखनी, यहाँ पे मैंने सिर्फ बताया हुआ आपको कि अगर कोई डाटा आपको बैकएंड से मिल रहा है या कहीं किसी ने आपको दे रहा है डाटा, उसके अंदर स्पेस है, देन आप किस तरह से उसे उठा सकते हैं। अब आगे आ गया हमारा फंक्शन, उसका नाम क्या था, डिटेल शो, ऐसा ही था। अब डिटेल शो ऑब्जेक्ट में क्या होता है आपके पास, नहीं अच्छा सॉरी, ऑब्जेक्ट में आपके पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट में आपके पास की वैल्यू पेयर आता है, पहले आपकी की आती है उसके बाद आपकी वैल्यू आती है, ठीक है। तो हमारी ये की है, डिटेल शो इज द की, कोलन लगाएं, उसके बाद आपने राउंड ब्रैकेट्स लगानी है, एरो फंक्शन बना लें या सिंपल आप फंक्शन लिख लें, ऐसे भी काम चल जाएगा आपका। अगर अब मैं कुछ रिटर्न करवाऊंगा ना, देन वो मुझे रिटर्न देगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने रिटर्न करवाया, ठीक है, ये मैंने रिटर्न करवाया, मैंने एंटर किया, तो उसने पूरा मेरा फंक्शन जो है ना ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर दिया। सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में इनवाइट नहीं हूँ, मैंने ऑलमोस्ट 3 or 5 दफा टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट की है, मेरा नंबर व्हाट्स का, ओके ठीक है, मैं आपको जो है ना ऐड करवा देता हूँ, मैं कोऑर्डिनेटर को मैसेज कर देता हूँ, वो आपको ऐड कर देंगे अभी। मैंने कह दिया उन्हें, ठीक है। अब हमने कंसोल करवाना है, जो उस फोटो में मैं करवा रहा हूँ, कंसोल करवा रहा हूँ, लेकिन आपके पास अनडिफाइन आ रहा है जो कि वैलिड है, अनडिफाइन ही आएगा वो। पहले कंसोल लॉक किया मैंने, ओ बी जे एंटर किया, अब आप देखें यहाँ पे आपके पास यूजर नेम आ रहा है,
मोहम्मद अली, और डिटेल में आपके पास ये एफ लिखा आ रहा है। एफ का मतलब क्या, ये फंक्शन है, इसकी जो आप रिटर्न आ रहा है, इसकी जो वैल्यू है वो एज अ स्ट्रिंग वगैरह नहीं है, वो एक फंक्शन है। तो अगर अब मैं करूंगा ना कंसोल डॉट लॉग ओबीजे, क्योंकि स्पेस है तो स्पेस आप डॉट करके नहीं आप निकाल सकते, आपको उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना पड़ता है। नाम तुम्हारा क्या था, डिटेल्स शो, ऐसा ही था जी जी, एक मिनट, और ये ओबीजे या ओबीके लिख दिया मैंने। अब देखिए मेरे पास रिटर्न आ गया, हेलो माय नेम इज साबिक। अब ये है प्रोसेस, इस तरह करेंगे तो वर्क करेगा, वो एरर था एक जो आपने रिजोल्व हो गया आपका। सही, ठीक। अब वो देखो, अब वो पूरी ऑब्जेक्ट भी नहीं आ रहा, अब उसने हेलो माय नेम इज साबिक आया। अब पहले क्या था, हमने सिंपल ऑब्जेक्ट को कहा कि अपने अंदर जो वैल्यू है हमें वो आप दे दो, ठीक है। हमने उसको ये नहीं कहा कि अंदर वाली वैल्यू फंक्शन है तो उसको एग्जीक्यूट करो, उसको रन करो। उसने क्या किया, सिंपल वैल्यू हमारी हमें रिटर्न कर दी, पूरा फंक्शन नोट करो, पूरा फंक्शन उसने रिटर्न कर दिया रिटर्न स्टेटमेंट के साथ ही। अब मैंने क्या किया, मैंने उसके इर्द गिर्द राउंड ब्रैकेट्स लगा दी। तो मैंने कहा यार फंक्शन आप उठाओ, जो आपके पास ये वैल्यू है वो फेच करो और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कर दो। मैंने बताया कि फंक्शन है अंदर वाला तो इसको रन करना है, रन किया तो उसने कह दिया हेलो माई नेम इज साबिक। क्लियर होगी बात यहां तक? जी जी जी। अब इसको क्लियर करते हैं और मैं आपको इसको क्लियर एंटर मार कर लेता हूं, ये ऊपर से हो जाएगा। ओबीजी अभी हमारे पास स्टोरी रहेगा यहाँ पे जब तक हमारा ब्राउजर बंद नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल मैंने ओबीजी में से यूजर नेम उठाना है, तो यूजर नेम सिंपल मैं लिख सकता हूं ऐसे ओबीजे डॉट यूजर नेम, एंटर किया यूजर नेम आ गया। लेकिन डिटेल शो में ऐसे लिख नहीं सकता क्योंकि उसके दरमियान स्पेस है। अगर मैं लिखता हूं डिटेल शो, डिटेल स्पेस डालनी पड़ेगी शो, तो अब आप नोट करो वो दो अलग अलग चीजें उनको जो है ना कंसीडर कर रहा है। वो ये नहीं कंसीडर कर रहा कि ये एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू है, वो कह रहा कि ये दो चीजें शायद आप कह रही हो, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कहा कभी भी की वैल्यू में स्पेस नहीं आपने ऐड करनी, ठीक ठीक। इसके अलावा कोई क्यूरी आपकी? इसके अलावा एक और है इसमें डिस्ट्रक्चरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट में ना, ठीक। उसमें ये था कि एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद जो हमने वेरिएबल्स हैं उनमें डायरेक्टली ऑब्जेक्ट का दे दिया, तो उन वेरिएबल्स में ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज एक के बाद एक वो स्टोर निकालता रहा। हाँ जी जी। लेकिन मसला ये है कि जब मैंने उन वेरिएबल्स को शो कराने के लिए, सिर्फ वेरिएबल्स आपके उसमें ना कोड में ये था कि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जो प्रॉपर्टी थी ना वहां पे कंसोल डॉट लॉग में ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी लिख देते हैं जी, तो वो जो है ना शो हो रहा है। लेकिन अगर मैं कोई और सा उसका नाम दे रही हूँ ना वेरिएबल को, तो वो फिर शो नहीं हो रहा, अनडिफाइंड आ रहा है। हाँ जी, वो होगा भी नहीं। अच्छा अच्छा, वो होगा भी नहीं। वो वजह क्या है मैं बताता हूँ आपको, डिस्ट्रक्चरिंग क्या है, डिस्ट्रक्चरिंग आपकी जो कीज है ना, जो कीज आपकी यूजर नेम हो गया ये आपकी की है, डिटेल शो हो गया ये आपकी की है। डिस्ट्रक्चरिंग क्या करती है, आपके ऑब्जेक्ट में से इन की बेसिस पे वैल्यू फेच करती है, की बेसिस पे। अगर आप करोगे ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल लॉग भी नहीं, कॉन्स्ट मैंने ये किया, आगे मैं लिख दिया यूजर नेम, आगे मैंने वो अपना ओबीजे दे दिया, तो अब किधर गया, अब मैं लिखूंगा ना यूजर नेम, तो मेरे पास अली आ रहा है, नजर आया आप लोगों, मेरे पास मोहम्मद अली आ रहा है। लेकिन अगर मैं ये यही काम की जगह मैं दूसरा काम करता हूं, मैं लिखता हूं कॉन्स्ट, अब यूजर नेम नहीं मौजूद, यूजर नेम की जगह हमारा नेम मैं फेच करने के लिए रहता हूं। अब नेम जो हमारा है वो हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद है क्या, जो हमारा ओबीजी का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर मौजूद है जी, उसमें कोड में तो था नेम, नेम अभी यहाँ पे, वो कोड छोड़ते हैं, अब यहाँ देखें जी, यहाँ पे मौजूद है नहीं, यहाँ नेम नेम नहीं है ना। अब ये देखो कंसोल डॉट लॉक किया मैंने, कंसोल डॉट लॉक की जरूरत नहीं, सोच कॉन्स्ट नेम ओबीजे। अब क्या हो रहा है, अब मैं कह रहा हूं कि यार ओबीजे जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर से आप नेम निकाल के मुझे दे दो जी,
एंटर किया मैंने, उसने अनडिफाइन कहा, अब नेम क्लिक करता हूँ वो अनडिफाइन आता है, क्यों? क्योंकि आपके ऑब्जेक्ट के अंदर नेम मौजूद ही नहीं, ओबीजे ऑब्जेक्ट के अंदर नेम है ही नहीं। जो ये डिस्ट्रक्चरिंग होती है ना, ये बेस कर रही होती है आपकी कीज पे, कि आपकी की क्या है, वो की से वैल्यू निकालती है। अच्छा अच्छा तो सर, आप जैसे कि यूजर नेम हमें चाहिए नेम के अंदर, तो वो फिर कैसे होगा? यूजर नेम चाहिए नेम के अंदर, तो इसको एलैबोरेट कीजिएगा। जैसे अभी कांस्टेंट नेम लिखा ओबीजे, तो ऑब्जेक्ट में से जो यूजर नेम है वो इस नेम के वेरिएबल में कैसे सेव होगा? इस नेम के वेरिएबल में, देन आपको डीस्ट्रक्चरिंग करने की जरूरत नहीं जी है, जी ठीक है? अच्छा आप अच्छा सिंपल करोगे क्या, कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू ओबीजे, ऐसे लिख लो यूजर नेम, अच्छा अच्छा नहीं तो आप डॉट डाल के यूजर नेम लिख लो, माइनस क्यों कर रहा हूं, नेम लिखूंगा आप मेरे पास मोहम्मद अली आ गए, अच्छा अच्छा तो वैल्यू आपने इस तरह स्टोर करवानी है, ठीक है? तो सर डीस्ट्रक्चरिंग में फिर फायदा, मतलब डीस्ट्रक्चरिंग तो ये है ना कि मतलब वेरिएबल्स को अलग अलग, डीस्ट्रक्चरिंग का फायदा आपको वहां पे फील होता है जहां पे आपकी लिस्ट जो है ना वो बहुत बड़ी होती है, अब उसमें से आप निकालना चाहते हो, जो आपका बैकएंड है ना, आपका फ्रंट एंड और बैकएंड हमेशा कनेक्ट होते हैं, कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं है जिसका खाली फ्रंट एंड हो बैकएंड ना हो, और कोई ऐसा बैकएंड नहीं है जिसका फ्रंट एंड ना हो, ये दोनों कनेक्टेड हैं दूसरे से, तो बैकएंड से आपको उस फॉर्मेट में डाटा आएगा जिस फॉर्मेट में आप आपके फ्रंट एंड पे शो करवाना है आपने, तो आप करोगे, आप नया वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है, उससे क्या होगा, आप जैसे यूजर नेम है, यहाँ पे यूजर नेम आपका नेम नहीं हो सकता कभी, क्योंकि आपका यूजर नेम क्या होगा, यूजर नेम होगा मोहम्मद अली 1 2 3 4 5, या आपका फेसबुक पे नेम होता है, मेरा नेम है राजा साहब 1 2, इस तरह आपका अलग यूजर नेम होगा, लेकिन ओरिजिनल नेम मेरा क्या है, राजा साबिक इरफान, तो ये मेरा नेम है, तो आपको बैकएंड से मीनिंगफुली नेम मिलेंगे जो अपना पर्पस डिफाइन करके आ रहे होंगे, आप उनको नए ऑब्जेक्ट में सेव, नए वेरिएबल में सेव करवाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, आपके पास बहुत ही रेयर केसेस आएंगे ऐसे जहां पे आप ये काम करोगे। अच्छा, क्योंकि ये जैसे कि आपको मैं एक मिनट व्हाट्सएप पे भेजती हूँ, तो जैसे इस कोड का फिर फायदा क्या है बताएं, मैं भेज रही हूँ। जी जी अब जैसे ठीक जी, तो इसमें ना यूजर का जो ऑब्जेक्ट है उसके प्रॉपर्टीज है नेम, एज, सिटी। अब जब हमने क्या नाम है उसका लेट में लिखा ना, तो ABC करके लिख दिया मैंने बस। आपने यहाँ पे ना अपने कोड में लिखा था कि नेम, एज और सिटी, हाँ और जी इज इक्वल्स टू यूजर लिखा था। तो बिल्कुल, मैंने सेम नेम सेम वेरिएबल्स के ना प्रॉपर्टी के जैसे नेम नहीं लिखे, मैंने ABC कर दिया। तो जब ABC क्या करके मैं इसको कंसोल में शो कराने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो अनडिफाइंड है। अनडिफाइन आएगा तो बिल्कुल, मतलब यूजर से वो उठा ही नहीं रहा है वो ABC के लिए। वो क्योंकि यूजर्स यूजर में आपका ABC मौजूद नहीं है, अच्छा, तो जो सेम अगर नेम होगा यूजर वो में सेम आप, नेम। हाँ, नेम को अगर ए अच्छा कर दोगे, एज को बी कर जी दोगे, जी और जो है सिटी है उसको सी कर दोगे, ये जी ऑटोमेटिकली उठा लेगा। अच्छा, डिस्ट्रक्चरिंग तो आपकी सेम नेम। की वैल्यू उठाता है, आपकी की अच्छा उठाएगा, आपकी की सेम होनी चाहिए आपके वेरिएबल के नेम के साथ जो डिस्ट्रक्चरिंग में अच्छा लिखा हुआ है अच्छा आपने, देन वो वैल्यू सही फेच सही, बस करेगा। सही हाँ जी, अदरवाइज समझ वो आ वैल्यू गया। नहीं लेगा। ठीक, बस की सेम होनी चाहिए, की हाँ कन्वर्ट। जी, की सेम होनी चाहिए। अगर आपने अपने वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवानी है, देन आपको मैंने बताया आप उस तरह कर लें, हाँ वो डॉट फिर लगा के। हाँ, जी, ठीक, चले, थैंक यू सर। कोई मसला नहीं। इसके अलावा किसी और को भी सवाल? सर, मैंने रिएक्ट ऐप बनाया है, उसमें मेरे 3-4 पेजेस हैं, लेकिन उसमें मैं राउटिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो राउटिंग में मसला आ रहा है। क्या इशू आ रहा है राउटिंग में? उसमें मुझे ये करना है कि जो लॉगिन मेरा पेज है, फॉर्म है, वो मैं चाहता हूँ कि डिफॉल्ट हो, सबसे पहले वो आए। ठीक है यार, मैं आपको यहाँ पे सब बता देता हूँ। माइट बी ये जो कोर्स आप देख रहे हैं, इसमें रिएक्ट राउटर 5 यूज हुआ हो और लेटेस्ट चल रहा है रिएक्ट राउटर 6, तो आपको थोड़े कॉन्फ्लिक्ट आएंगे। आपने जब भी काम, जी जी 6 ही यूज हो रहा है ना? जी, बस फिर ठीक है, फिर आपके पास पूरी डॉक्यूमेंटेशन है। आप मुझे बताओ आपको इश्यू क्या है, कि कहाँ पे जाके आपको कंफ्यूजन आ रही है? मेरे पास जो पेज है ना, 2-3 होम का अबाउट वगैरह के मैंने ऐसे बनाए हैं, 2-3, मैं चाहता हूँ जो लॉगिन का पेज है ना, वो डिफॉल्ट है सबसे पहले, मतलब रीडायरेक्ट के बाद। मतलब कि जब भी आपका वेबसाइट ओपन हो,
देन क्या हो, आपके लॉगिन पेज पे जाए वो सबसे पहले, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपके आप अपने जो पेज है ना, जो स्लैश है आपके रूट जो स्लैश होती है, आप उसको रीडायरेक्ट करवा दो लॉगिन पे। अच्छा, उसका सिंटैक्स थोड़ा सा बता दें, देख यहीं पे कंसोल पे लिख दें। ये कंसोल पे नहीं चलेगा क्योंकि वो रिएक्ट राउटर डॉम की प्रॉपर्टी है। ये जीएस लिख के दिखा दें मुझे, एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। आपके राउट होता है बीच में, आर कैपिटल आएगा तो उसको कर लीजिएगा, ठीक है। आप टू लिखते हो, टू में आपने लिख दिया स्लैश, ठीक है। उसके बाद रिएक्ट राउटर सिक्स जो है उसके अंदर आपको एक प्रॉपर्टी मिलती है, आपको एक सॉरी कंपोनेंट मिलता है नेविगेट का। वो करता क्या, वो नेविगेट कर देता है जहां पे आपने करवाना हो। आप उस नेविगेट के अंदर मेरे टू ही होता है, मुझे एग्जैक्ट मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी देर। यहाँ पे टू में आप लिख दोगे स्लैश लॉगिन और इस कंपोनेंट को बंद कर दोगे। अब जैसे ही वो आपका यूआरएल एंटर करेगा ना, ऑटोमेटिकली वो स्लैश को हिट करेगा, स्लैश आपका लॉगिन पेज पे ले जाएगा। ओके, ठीक है। एक वे ये है जो कि आप इस तरह करोगे। दूसरा वे क्या है, क्योंकि हर एक काम के मल्टीपल वेज होते हैं, दूसरा आप करोगे यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट यूज करोगे आप ऐप में, राउट में नहीं। आपके जस्ट फॉर एग्जाम्पल स्लैश पे पर लैंडिंग पेज, लैंडिंग पेज पे यूज इफेक्ट नहीं करोगे आप, क्या करोगे अपने ऐप में यूज इफेक्ट यूज करोगे। जैसे कंपोनेंट रेंडर होगा वो क्या करेगा, इस यूज इफेक्ट को रन करेगा। यूज इफेक्ट के अंदर आपको रिएक्ट में मिलता है नेविगेट, यूज नेविगेट के नाम से आपको मिलेगा एक हुक, नेविगेट इस नाम से आपको एक मिलेगा हुक वहां पे रिएक्ट की, रिएक्ट में रिएक्ट एट डॉम प्रोवाइड करता है। उसमें आपने करना क्या, यूज इफेक्ट यूज करनी है। ये भी आगे जाके आप करोगे जी, ये मैंने पहले भी थोड़ा सा किया है ना, तो मैं इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ। यूज इफेक्ट में जाओगे, यूज इफेक्ट में जाकर नेविगेट यहाँ पे आप कर दोगे सिंपल स्लैश लॉगिन। तो ये करेगा जब भी आपकी ऐप रन होगी, यूज इफेक्ट तो सबसे पहले रन होगा, वो आपकी ऐप को नेविगेट कर देगा लॉगिन। सही है, ठीक है। ये दोनों वे बता दिए हमने, आप जो सा प्रेफरेबल हो आप कर सकते हो। मैं जो प्रेफरेबल कहूंगा मैं दूसरे वाला कहूंगा, जो पहले बताया था ना वो वाला कहूंगा। आप मैं आपको अपने राउट्स की पिक्चर भेजूं एक दफा? हाँ जी भेजो। ठीक है, इंडेक्स जो आपने दिया हुआ ना लाइन नंबर 25 पे, ठीक है, इंडेक्स पाथ, ठीक है, स्लैश वो मैं लॉगिन पे करूंगा। हाँ वो लॉगिन पे कर देना। उसके अलावा करेंगे क्या आप, क्या आपने नेविगेट क्योंकि स्टैटिक पे भी कर देना, एक नीचे एक और आउट बना देना जिसके अंदर पाथ जो होगा ना उसको आपने कर देना स्टैटिक, उसके अंदर आपने नेविगेट वाला कर देना। उससे क्या होगा, जब भी कोई वो ऐसे पाथ से आएगा जो कि रजिस्टर्ड नहीं है आपकी ऐप में तो ऑटोमेटिकली नेविगेट हो जाएगा लॉगिन पे, अदरवाइज क्या होगा वो ब्लैंक स्क्रीन नजर आ जाएगी उसे, वो कहीं पर भी नेविगेट नहीं होगा, सिर्फ ब्लैंक स्क्रीन नजर आ रही होगी उसे, ठीक है। ये लाजमी जो है ना बेस्ट प्रैक्टिस में आता है कि आप एंड पे ऐड कर दें। मोस्ट वेबसाइट में क्या होता है 404 का पेज होता है, वो हम नेविगेट कर देते हैं। मेरे पास रिएक्ट का भी है ना, मेट्रो रनिंग का रिएक्ट है, वो मैंने देखा उसके रूट्स बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, वो मुझे सही अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई उसकी, मेट्रो रनिंग थीम है ना तो उससे मैंने देखा था पहले। सही, थीम्स बेसिकली क्या होती है, थीम्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से बनाई जाती हैं।
अगर आप अपना वही काम आप करोगे ना, आप बहुत इजी वे में कर लोगे। लेकिन वो थीम्स हैं तो उनमें हर चीज की उन्होंने ऑप्शन रखी होती है, हर चीज को बहुत जो है ना उन्होंने फाइलों से गुजारा होता है, जो कि इतनी कंपल्सरी नहीं होती। थीम मोस्टली आप जब इंडस्ट्री लेवल पे जाते हो ना, थीम कोई प्रेफरेबल नहीं करेगा आपको कि आप थीम यूज करो, उनके थीम में बहुत गार्बेज कोड होता है जो कि आपकी नीड का नहीं होता। अगर आप उस गार्बेज कोड को क्लीन करने भी लग जाओ ना, देन भी आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है, इसलिए हमेशा वो आपको कहेंगे कि स्क्रैच से बनाओ। सही है। आप ऐसे किसी किस बंदे ने अभी तक रिएक्ट का इंटरव्यू वगैरह दिया है? किसी ने ट्राई किया हो या सुना हो किसी से कि रिएक्ट का इंटरव्यू कैसे होता? रिएक्ट के, हाँ चलो मैं बताता हूँ आप लोगों को कि रिएक्ट का इंटरव्यू बेसिकली होता किस तरह से है। जब आप रिएक्ट के इंटरव्यू में जाते हो ना, क्योंकि रिएक्ट है आपकी ना पूरी एक लाइन बनती है, पाथ बनता है। पहले आप बनते हो फ्रंट एंड डेवलपर, फिर आप बनते हो रिएक्ट डेवलपर, देन आप बनते हो बैक मन डेवलपर जिसमें बैक एंड भी आ जाता है। पहले फ्रंट एंड होता है, फिर रिएक्ट होती है, फिर मर्न होता है। अब आप लोग दूसरी स्टेज पे, रिएक्ट वाली स्टेज पे, तो आपसे वो सवाल जो करेंगे ना, वो करेंगे जेएस से रिलेटेड बहुत ज्यादा। तो आप लोगों की जेएस में ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए। सिंपल सा सवाल पूछता हूँ आप लोगों से, आप लोगों ने जेएस की हुई है, थोड़ी बहुत ही की हुई है, कोई मसला नहीं। हम मोस्टली यूज करते हैं कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन क्या होते हैं, किसी का कोई अंदाजा? और सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है ये, सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है पूरी रिएक्ट में, पूरी आपकी जेएस में, कॉल बैक फंक्शंस। कहीं पर आपने ये नाम सुना हो कभी काम करते हुए, कोई फंक्शन बनाओ, ठीक है, उसके जो पैराम्स हो ना उसमें एक तो लिखी हो वैल्यू, कोमा लिखा हो सीबी, यूज इफेक्ट आप में से किसने यूज किया अभी तक? यूज इफेक्ट नहीं, अभी रिएक्टर होता है यूज किया है। यूज इफेक्ट पे नहीं आया आप लोग अभी? हुक्स नहीं किया आप लोगों ने? हुक्स नहीं, हुक्स पे अभी नहीं आया। सही, अभी तक आप लोगों ने मुझे गिनाओ क्या क्या कर लिया हुआ, ताकि मैं फिर उससे रिलेटेड आप लोग से ना बात करूं, क्योंकि अगर मैं आगे वाला बता दिया तो आप लोग जो है ना कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी तक क्या क्या चीजें पढ़ी हैं आपने? एक ने बताया है राउटर्स पढ़े हैं आपने, राउट्स पढ़े, उसके अलावा? वो राउट्स मैंने वो तो यूट्यूब से देखा था, अभी ये जो कोर्स हमारा वो तो सर वो नहीं पढ़े, राउट्स वगैरह भी नहीं पढ़े हमने। ठीक है, आप लोगों ने क्या 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 पढ़ लिया है? मॉड्यूल से कौन से मॉड्यूल से पहुंच चुके हुए हो? थर्ड मॉड्यूल तक पहुंच गए, क्लास इनहेरिटेंस और ठीक है क्लास इनहेरिटेंस उप पढ़ लिया आप लोगों ने, उप का कांसेप्ट? जी जी, और ट्राई एंड कैच फंक्शंस जो होते हैं वहां तक पढ़ लिया। ठीक है, आप लोग सबसे पहला सवाल जो होना है ना वो होना है आप लोगों से उप के रिलेटेड। सबसे पहला सवाल, बेसिक सवाल आपसे होगा उप के रिलेटेड। आप लोग में से कौन बताएगा कि उप बेसिकली है क्या? उप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ये मैंने C++ में भी की है थोड़ी सी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ठीक है, होती क्या है ये, तो उसकी फुल अब्रिवेशन है ना बस, नहीं है क्या बेसिकली? है ना, क्लासेस होती हैं फिर उनसे ऑब्जेक्ट बनते हैं, फिर पेरेंट क्लासेस होती हैं, इनहेरिटेंस होती है, मल्टी लेवल और कई तरह की इनहेरिटेंस होती है उसमें। बेसिकली ऑब्जेक्ट बेस पे हमारी कोडिंग हो रही होती है, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम लोग काम कर रहे होते हैं, क्लासेस बनती हैं, एक क्लास में हम सारी चीजें डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम उन चीजों को ले रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं उसके ऊपर। ठीक है, आप लोगों ने अगर क्लास को डिफाइन करना है तो किस तरह से डिफाइन करोगे क्लास को? क्लास जैसे कि एक गाड़ी है जावास्क्रिप्ट में, तो एक एक करके जी जी क्लास ऐसे है कि एक गाड़ी है, उसकी ज्यादातर प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ फंक्शनैलिटीज होंगी, तो वो सेम सिमिलर होंगी, कुछ डिफरेंट होंगी।
तो हर गाड़ी का जैसे कलर अलग होता है, नेम प्लेट्स अलग होती हैं, बाकी डोर सेम होते हैं, ये सब चीजें होती हैं, तो क्लास की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी, फिर उन अलग अलग कार्स का ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट के थ्रू उनकी प्रॉपर्टीज को हम डिफाइन करेंगे कि भाई इस कार का ये कलर है, इस कार की ये चीज है। ठीक। और कोई? एनीवन एल्स? क्लास को अगर आपने एक लाइन में डिफाइन करना हो, किस तरह करोगे? सिर्फ एक लाइन में। सर इसमें प्रॉपर्टीज ही होती हैं क्लासेस की ना, इसके कुछ मेथड्स। ये तो मुझे पहले ही बता दिया कि class, कुछ न्यू बताएं मुझे। मतलब ऑब्जेक्ट्स किस तरह के हैं, उस तरह की क्लास बनाई जाएगी, फिर उस तरह की प्रॉपर्टीज रखी जाएगी, फिर उसमें मेथड सेट किए जाएंगे जो हर ऑब्जेक्ट की अलग-अलग प्रॉपर्टी सेट करके उसको स्टोर करेंगे। इसके लिए कंस्ट्रक्टर या दूसरे मेथड्स यूज होते हैं। हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग-अलग प्रॉपर्टी ठीक है, मेथड कैसे? मेथड सेम होते हैं, ऑब्जेक्ट उनको यूज करके तो क्लास के अंदर डाटा स्टोर करते हैं। ठीक है, ये भी वो सेम ही बात है जो उन्होंने बताई है, कुछ न्यू जो उन्होंने ना बताया हो। सर ये इसमें मैसेज किया जा सकता है बड़ी आसानी से, इसका एक ये फायदा। ठीक है, इनहेरिट किया जा सकता है, डन। इसके अलावा सर इसके आपने जो मेथड बताए हैं, कंस्ट्रक्टर होता है और इस तरह उसकी स्टेट जो है इनिशियल स्टेट होती है। क्लास की जरूरत क्यों पड़ गई हमें? ऐसा क्या था क्लास में जो क्लास हमने यूज करने पड़ गई? क्लास हमारे पास पहले भी तो डेटा टाइप्स थी काफी, तो क्लास की जरूरत क्यों? क्लास एक कॉन्सेप्ट है, एक ही जगह हम सारी चीजें डिफाइन करते हैं, फिर बार-बार उनको दोबारा से हमें डिफाइन करने। अगर मैं ये कहूं कि क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है तो क्या कि गलत होगा? ठीक है, कैसे? क्लास बेसिकली आपके पास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, क्योंकि हमारे पास रिस्ट्रिक्शन थी बड़ी कि हम इंट है तो हमने फॉर एग्जांपल ऐसी जगह रखना है जहां पे इंट भी हो और स्ट्रिंग भी हो, तो हम नहीं कर पाते थे काम। अगर मैं कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूँ जिसमें स्टूडेंट्स की सारी डिटेल हो, तो मुझे अगर वो 10 स्टूडेंट है तो 10 दफा मुझे चीजें दोबारा लिखनी पड़ती थी। तो इस चीज को हमने ओवरकम करने के लिए, इस चीज को खत्म करने के लिए हमने यूज की क्लासेस, कि हमने क्या किया, एक ढांचा बना दिया। ठीक है, आप लोगों के पास अगर सोसाइटीज में रहते हो, सोसाइटी में एक बेस मॉडल होता है घर का, कि घर उसी नक्शे के हिसाब से बनेगा। क्लास आपका वो बेस मॉडल है कि जितने भी आपके आगे उसके ऑब्जेक्ट्स बनेंगे ना, वो उस स्ट्रक्चर पे बनेंगे। कलर डिफाइन नहीं है, कलर जो सा मर्जी करो, लेकिन कलर होगा ये डिफाइन है। कलर की वैल्यू डिफाइन नहीं है, लेकिन कलर होना चाहिए ये डिफाइन है। आपके बेडरूम किस तरह के हो ये डिफाइन नहीं है, लेकिन दो बेडरूम होने चाहिए ये डिफाइन है। तो ये आपकी बेसिकली क्लास होती है। क्लास आपका एक स्ट्रक्चर है पूरा, कि आप एक जो आपकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं आप उनका स्ट्रक्चर बना देते हो, किस तरह का आप काम करें। इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ये ब्लू प्रिंट है आपके पास, आपके ऑब्जेक्ट का ब्लू प्रिंट होता है क्लास। ठीक है, क्या मैं ऑब्जेक्ट क्लास के बगैर बना सकता हूं? बना सकते हैं, लेकिन वो फिर सिंपल एक प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, उसकी प्रॉपर्टीज फिर हमें खुद से ही बतानी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल मैंने कर लिया, ये स्क्रीन नजर आ रही सबको ना? जी। कॉस मैंने कर दिया टेम्प ओबीजे इक्वल टू मैंने कर दिया एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में मैंने रखवा दिया नेम कोलन इक्वल यू कह रहा हूं कोलन एक डबल कोटेशन मैं रख दिया अपना नाम। ठीक हो गया, सिंपल एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर एक ही की वैल्यू पे रहा मेरा नाम। इसमें और क्लास में क्या फर्क है? इसको क्या मैं रीयूज कर सकता हूं? नो सर, इसको मतलब इसकी वैल्यू को आप रीयूज नहीं कर सकते, मतलब चेंज नहीं कर सकते, यूज तो कर सकते हैं। जिसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता मैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं टेम्प ऑब्जेक्ट, इसने पूरा लाके रख दिया मेरे सामने,
कॉन्स की वैल्यू चेंज नहीं होती ना, ऐसा ही है जी। टेम्पो बीजी ये क्या हुआ, मोहम्मद अली अली क्यों आ गया, कोई पता? अच्छा ये पुराना मेरा चल गया, एक मिनट रुको, ये पुराना कोड चल गया, एक मिनट मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ। याद है हमने पहले नेम सेव करवाया था अली में, तो जब तक आप बंद नहीं करोगे ये नहीं जाता। हाँ दोबारा करते हैं, कॉन्स टेम्प ओबीजे इक्वल टू, मैंने रखवाया नेम इक्वल इक्वल टू राजा साबिक, ठीक हो गया, ये मेरा ऑब्जेक्ट डिफाइन हो गया। क्या कह रहा है वो, इनवैलिड शॉर्ट एंडेड प्रॉपर्टी। ओके ये इनवैलिड क्यों दिया है इसने, कॉलन नहीं लगाएगा, कॉलन इक्वल टू नहीं यूज होता यहाँ पे, कॉलन यूज होता है, ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ टेम्प ओबीजे, इसके अंदर मैंने कर दिया नेम पहले रहा साबिक था, अब साबिक कर दिया मैंने, ठीक है। दोबारा ऑब्जेक्ट प्रिंट करवा रहा हूं, ये तो नाम चेंज हो गया, क्या फर्क पड़ा? अगर मैं इसको ही टेम्प को फॉर एग्जांपल एक नया वेरिएबल बनाता हूं कॉन्स्ट ओबीजे टू इक्वल टू टेम्प ओबीजे, और मैं करता हूं टेम्प ओबीजे टू, ठीक है। अब बताओ इसमें और क्लास में क्या फर्क है, अगर मैं ओबीजे टू की नाम की वैल्यू चेंज करूंगा तो क्या ऊपर वाले टेम्प की वैल्यू चेंज होनी चाहिए कि नहीं होगी, होगी या नहीं होगी, सिर्फ हाँ या ना? नहीं ऊपर वाले की तो नहीं होनी चाहिए। Anyone? कोई और? सर होगी क्योंकि वहाँ पे temp obj2 is equal to temp obj। हाँ जी तो ये उसी को फिर असाइन कर रहा है ना, उसकी प्रॉपर्टी असाइन कर ले ना, देखो प्रॉपर्टी असाइन कर दी है। अब मैं करना चाह रहा हूँ, मैं temp obj2 की वैल्यू चेंज करना चाह रहा हूं, तो क्या उसकी वैल्यू चेंज करने से temp obj की वैल्यू चेंज होगी? नो सर नहीं होगी। पक्का? जी सर। क्या लिखूंगा मैं, समझा डमी टेक्स्ट डाल दिया, हो गया टेम्प ओबीजे तो चेंज हो गई, टू में चेंज किया है और जो हमारी ओरिजिनल थी टेम्प ओबीजे उसमें वैल्यू चेंज हुई है। कोई बच्चा इसकी लॉजिक समझाना चाहे, एनीवन? कोई भी नहीं? आपसे इस लेवल के सवाल होने हैं इंटरव्यू में, ये भी डेमो है सिंपल। एक आप लोगों को जेएस के कॉन्सेप्ट्स, जेएस की लॉजिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए अगर आप रिएक्ट में एक अच्छी जॉब पे जाना चाहते हैं, अच्छी जॉब लैंड करना चाहते हैं, आपको अपनी जेएस पे ध्यान देना होगा। अब इसमें क्या चीज थी, बेसिकली हमने ओबीजे का सब ओबीजे की वैल्यू स्टोर नहीं करवाई ओबीजे ऑब्जेक्ट टू के अंदर, हमने बेसिकली उसका रेफरेंस स्टोर करवाया। कुछ भी करेंगे हम ओबीजे टू के अंदर वो अफेक्ट करेगा उसके ओरिजिनल प्रॉपर्टीज को भी, क्योंकि वैल्यू स्टोर ओरिजिनली टेम्प ओबीजे के अंदर ही है। ओबीजे टू के अंदर टेम्प ओबीजे का रेफरेंस है सिर्फ, किसी बच्चे को ये बात ना समझ आई हो, उम्मीद है सबको ही नहीं आनी, सबको ही नहीं आई होनी, फिर भी हाँ जी। सर ये कांस्टेंट वैल्यू जो है ये तो चेंज नहीं होनी चाहिए।
कॉन्स्टेंट वैल्यू चेंज नहीं होती एग्जैक्टली लेकिन इसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकता. अंदर वैल्यू इसकी आप अपडेट कर सकते हो क्योंकि ऑब्जेक्ट है उसने आपकी ऑब्जेक्ट देखना है कि इसके अंदर की नेम है ठीक है एक ही है तो मल्टीपल ना एड्स हो लेकिन उसके अंदर की वैल्यू आप चेंज कर सकते. आप में से किसी को इन तीनों में फर्क पता हो? ये सेकंड मोस्ट जो है ना सवाल है जो आपसे पूछे जाना है. सेकंड मोस्ट कॉमन वार कॉन्स्टलेट एनीवन. जी सर वेरिएबल में आप जो ना उसको डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हैं. कॉन्स्टेंट में आप डिक्लेरेशन कर सकते हैं इनिशियलाइजेशन नहीं कर सकते रीली इनिशियलाइजेशन और लेट में आप री डिक्लेरेशन नहीं कर सकते. नहीं ऐसा नहीं है आप कर सकते हो तीनों में होती है डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन कंपलसरी है एक वेरिएबल की. रीडिक्लेरेशन रीडिक्लेरेशन आप कॉन्स्ट में नहीं कर सकते लेट में कर सकते. अच्छा हाँ कोई और जो बता चल वार कॉन्स्ट और लेट में क्या फर्क है सर. जी हेलो सर आवाज आ रही है समझी? जी आ रही है सर. जो वार होता है वो एक स्कोपिंग का डिफरेंस है मतलब जो वीएआर वार लिखते हैं ये ग्लोबल स्कोप में इस्तेमाल कर सकते हैं मतलब हमने किसी को फंक्शन के अंदर मैंने वार लिख लिया तो मैं वो ग्लोबली मतलब एक्सेस कर सकता हूँ. कौन को कांस्टेंट हो गया मतलब इन्होंने सही बताया कि कौन सी कौन. लेट जो है वो मतलब जो ग्लोबल स्कोप में आप यूज़ नहीं कर सकते मतलब एक फंक्शन मतलब एक करली ब्रेसेस के अंदर लोकल स्कोप में हम यूज करते हैं वो लेट हो गया. ठीक हो गया वार ग्लोबल है लेट जो है आपका लोकल है. इसके अलावा वार में एक बहुत खसूसियत है बहुत उसकी जो है ना एडवांटेज है वो क्या है मतलब डेटा टाइप को हम चलो एक मिनट नहीं पता कोई मसला नहीं ये टेस्ट नहीं हो रहा आपका कोई मैं आपसे जो है ना आपका लेवल नहीं जज कर रहा सिंपल मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को पता चले कि किस किस लेवल के क्वेश्चन होते हैं और ये चीजें आपको पता होनी चाहिए लास्ट में जब आप रिएक्ट एज अ रिएक्ट डेवलपर एट द एंड जाओगे इंडस्ट्री में जॉब के लिए. वार एक भाई ने बताया ग्लोबल होता है बिल्कुल एग्जैक्ट सही बताया ठीक है. वार ग्लोबल होता है लेट लोकल होता है. ग्लोबल स्कोप का मतलब क्या है कि कलरी ब्रैकेट्स के अंदर ये लोकल स्कोप है. अगर आप इसके अंदर करते हो ना लेट करते हो लेट ए तो इस कलरी ब्रैकेट्स के बाहर मैं ए को एक्सेस ना कर सकूं ये होता है लोकल स्कोप. ग्लोबल स्कोप क्या होगा आपका यहां पे तो एक्सेसिबल है एक कलरी ब्रैकेट्स के अंदर तो है बाहर भी होगा ठीक है. ये उन्होंने बताया बिल्कुल ठीक. कॉन्स्ट कॉन्स्ट आप एक बार चीज याद रखो डिक्लेयर और इनिशियलाइज हर वेरिएबल ने होना. जैसे जिंदगी और मौत है ना आप जिंदा भी होते हो और मरते भी हो. ऐसा कोई नहीं है जो मैं जिंदा ना हुआ मर गया हो या ऐसा कोई नहीं है जो मर गया हो और जिंदा ना हो ठीक है. तो ये दोनों का होना लाजमी है. अब कौन क्या करता है कौन में आप करते हो उसी टाइम पे डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन सेम टाइम पे होती है. आपने लिखा ए इज इक्वल टू टू ये आपने आपने ए की वैल्यू स्टोर करवा दी ठीक है. अगर मैं लिखता हूं कॉन्स्ट बी एंटर करूंगा वो मुझे एरर दे देगा कि पहले इनिशियलाइज भी करना है इसे आपने ठीक है. मिसिंग इनिशियलाइजेशन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन दोनों चीजें आप एक साथ करते हो. क्लियर बात. इसमें ऐसा नहीं कि एक चीज नहीं होती होती दोनों चीजें ही हैं लेकिन आपने एक साथ ही करनी होती है उन्हें. अब वार दूसरे हैंड पे क्या है वार ए इज इक्वल टू बी किया मैंने थोड़ी बी रहने दो मैं 34 कर दिया. अब उसने कहा ए ऑलरेडी डिक्लेयर है मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है नीचे आ जाओ मैंने कर दिया ए बी सी एंटर किया ए बी सी एक्सेस हो गया बेहतरीन हो गया. लेट ए बी सी इज इक्वल टू 55. अब वार तो ग्लोबल था ना तो लेट ने क्यों एरर दिया सर. ये आप मतलब एबीसी वार ग्लोबल बना दिया है लेकिन हाँ. अगर मैं वार के जगह में चेंज करूं तो फिर ये एक्सेप्टेबल है चेंज वार के मतलब एबीसी इज इक्वल टू 34 किया है
तो इसकी जगह मैं ए बी सी इज इक्वल टू 20 करूँ, मतलब वार ए बी सी दिस इज एक्सेप्टेबल, लेकिन हाँ ए बी सी इज इक्वल टू 20 करते हैं, दोबारा रीडिक्लेयर कर सकते हैं वार को, नहीं कर सकते हैं, कर सकते वार को कर लिया, हो गया ए बी सी हो गया। मैंने पूछा लेट ने क्यों एरर दिया, लेट ने वही लेट जो है ना रीडिक्लेरेशन में मना करता है। हाँ सर ये कहीं देखा सर, रिस्ट्रिक्ट करता है। अब मैं लेट कर दिया, लेट टी वाई किया मैंने इक्वल टू 30। ओके नहीं सर एक सेकंड ठहरे ना, इसमें तो ये हो गया ना कि वार एबीसी है वो एक मतलब एबीसी बन गया है, एबीसी बन गया है वो नाम, मतलब योर नेम या मेरा नाम एबीसी बन गया ठीक है। दोबारा आप लेट कर रहे हैं, दोबारा से डिक्लेयर कर रहे हैं, मतलब आप अपने आप को या मुझे डिक्लेयर कर रहे हैं, तो इसलिए तो नहीं कर रहा ना सर। एबीसी एक डिक्लेयर हो गया है, मेमोरी में जगह बन गई है एबीसी की, दोबारा से वार में भी तो दो दफा किया है मैंने, ये भी एबीसी है ये भी एबीसी है, तो वो वार के केस में एक्सेप्टेबल होता है ना सर। अच्छा अब ये देखो ठीक है, मान लिया लेट बना लिया मैंने, टी वाई बना लिया ठीक है, उसने मेमोरी ले ली रैम में जी सर, होगा कि नहीं होगा, ये हो जाएगा लेट टी वाई कैसे होगा, नहीं होगा ना सर। हाँ लेट लेट के जो वेरिएबल्स हैं वो रीडिक्लेरेशन में नहीं जाते। अब इस चीज को समझो, लेट जो है ना वो कहता है भाई मैं यहाँ का बादशाह हूं, जब तक मैं यहाँ पे हूं यहाँ पे कोई और नहीं आएगा मेरे नाम का। वार बहुत ही फ्रेंडली है, वो कहता कोई बात नहीं मैं भी हूं साथ में तुम भी आ जाओ, वार आपको कुछ नहीं कहेगा लेकिन लेट कहेगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ये करता हूं, मैंने किया बी इक्वल टू 20 ठीक है, अब ये एज अ वार गया क्या गया, बी ऑलरेडी किया तो नहीं हमने, तो मैं यू बी कर देता हूं वार, अब ये एज अ वार गया कि लेट गया, सर आई थिंक तो ये वार गया है क्योंकि ES6-5 में वार होता था। अब मैंने ये पहले क्या किया, मैंने पहले इनिशियलाइजेशन है क्या डिक्लेरेशन है, ये डिक्लेरेशन भी है और इनिशियलाइजेशन दोनों है क्योंकि यू भी पहले कभी डिक्लेयर नहीं हुआ था। वार में आपके पास एक कॉन्सेप्ट आता है हाउसिंग का ठीक है, हाउसिंग कहते हैं इसे, एच ओ प्रोनाउंसिएशन मेरी भी गलत हो जाए, हाउसिंग इसे कहते हैं। हाउसिंग में क्या होता है कि आप वार के केस में, सिर्फ वार के केस में, अगर आपने डिक्लेयर बाद में कर दिया इनिशियलाइज पहले कर दिया वार देन भी एरर नहीं देगा, अगर आपने डिक्लेयर पहले किया इनिशियलाइज बाद में किया वो तो वैसे ही एरर नहीं देगा। वार करता क्या है, जावास्क्रिप्ट कंपाइलर करता क्या है, जब वो देखता है वेरिएबल है वार है और नीचे इसने पहले आपने कर दिया वैल्यू जो हमने पहले किया इनिशियलाइज यू बी 20 कर दिया, उसके बाद मैंने क्या किया वार को डिक्लेयर किया, इस केस में वो करेगा डिक्लेरेशन को ऑटोमेटिकली टॉप लेवल पे ले जाएगा जिसकी वजह से आपका वार कभी भी एरर नहीं देगा। ये कॉन्सेप्ट है पूरा जावास्क्रिप्ट के अंदर और ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से सवाल होने हैं लाजमी, उन्होंने इसी तरह जैसे मैंने आपको करके दिखाया ना, लेट किया फिर कॉन्स किया फिर वार किया, उन्होंने इसी में पूरी गेम खेलनी है और ये प्रैक्टिकल इंटरव्यू होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो, इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो, देन वो बेसिक सवाल पूछेंगे आपके, जेएस क्या है, सीएसएस क्या है, कैसे क्या चीज हो रही है, सिंपल। सर एक और सवाल सर, ये यूबी आपने 20 किया था, आपने ये नहीं बताया कि ये वार हुआ था या लेट हुआ था, टाइप ऑफ करके चेक कर सके ना कि नहीं, टाइप ऑफ करके वार लेट नहीं बताएगा हमें, टाइप ऑफ करके बताएगा कि वैल्यू कौन सी किस टाइप की स्टोर हुई है। ठीक है सर ठीक है, हां तो ये अभी क्या हुआ है सर, ये क्या हुआ है, हमने क्या किया, मैंने आपको वही कॉन्सेप्ट बताया हाउसिंग, नहीं सर वो सही है। ये मतलब ये UV is equals to 20 है, तो ये अभी हमने कुछ भी नहीं इसको डिक्लेयर किया था, ना वार किया था, ना लेट किया था, ना कुछ भी नहीं किया था, तो अभी ये किस तरह गया है? अब जब आपने कुछ भी नहीं किया होता ना, आपका JSA compiler इतना अंडरस्टैंडेबल है कि वो ऑटोमेटिकली इसकी डिक्लेरेशन कर देता है एज अ वेरिएबल वार JS का, लेकिन अगर यही काम आप करेंगे अपने रिएक्ट में आपको एरर थ्रो कर देगा। सही हो गया सर, जिस तरह क्योंकि रिएक्ट C++ करते हैं, रिएक्ट यूज करता है JSX एक्सटेंशन HTML को राइट डाउन करने के लिए JS के अंदर, तो उसमें वो ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं करता, वो कहता नहीं माना आप वेरिएबल यूज कर रहे हो, वेरिएबल करना चाहते हो,
लेकिन डिक्लेयर कर दो, बेस्ट प्रैक्टिसेस में यही आता है, ताकि अगले बंदे को पता हो कि डिक्लेयर हुआ हुआ है ये कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये वाली अप्रोच अच्छी है, ठीक है, लेकिन यूज नहीं करनी। जैसे सैड सर, और कांस्टेंट का भी, अब जैसे लेट में रीडिक्लेरेशन नहीं होता, अब कांस्टेंट में री इनिशियलाइजेशन नहीं होता, वो मुझे समझ में आई थी, लेकिन अभी आपने कहा कि कांस्टेंट में री इनिशियलाइजेशन हो सकती है, तो उसका भी बता दे थोड़ा। जी जी क्या कह रही हूँ, कांस्टेंट में री इनिशियलाइजेशन हो सकती है कि नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। अच्छा, तो पहले री इनिशियलाइजेशन रीडिक्लेरेशन दोनों ही नहीं हो सकती उसमें सर, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के केस में होता था। ऑब्जेक्ट केस में स्ट्रक्चर नहीं रीड में आप कर सकते, वैल्यू अंदर कर सकते हो, की वैल्यू पेयर जो है, आप फॉर एग्जांपल नेम बनाया था तो नेम की जगह नीचे आप मल्टीपल नहीं ऐड कर सकते, आप रखोगे सेम ही, उसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो चेंज कर सकते हो आप। सही सही, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एंड करते हैं, दूसरा सेक्शन स्टार्ट होने लगा मेरा। कोई भी आप लोग की और क्यूरीज हो बिला जी, आप जो है ना मुझे व्हाट्सएप पे जो है ना आप कॉन्टेक्ट कर लेना मेरे से। अच्छा सर, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। मॉड्यूल्स अगर हाँ थोड़ा, जैसे आप थर्ड मॉड्यूल पे हैं और सिक्स्थ मॉड्यूल आया हुआ है, तो ऐसे हाँ हो सकता है ना कि मतलब हम थोड़ा आराम आराम से भी कर ले, कोई वो नहीं, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, आप आराम से करें, टाइम लें अपना, ठीक है। सर असाइनमेंट और क्विज का बता दें। असाइनमेंट और क्विज जैसे ही अपलोड होंगे वो आपके पोर्टल पे शो होने लग पड़ेंगे आपको ऑटोमेटिकली। अच्छा सर, वो मस्ट है? हाँ जी वो मस्ट है, ठीक है। ओके चले, ओके, मैं अब दूसरा लेक्चर है, दूसरा सेक्शन है, तो आप कोई भी क्यूरी हो किसी की तो मुझसे ग्रुप में आप जो है ना मैसेज कर लीजिएगा अपना ख्याल। सर एक दफा दोबारा ग्रुप का ज्वाइन कर देना, मैं आपको जो है ना कह देता हूँ।